एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो इस बारे में है कि पुरुष सेक्स के बीचों बीच इरेक्शन को लूज महसूस क्यों करते हैं। इरेक्शन जो होता है ना, वो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, एक हेल्दी बॉडी मैकेनिज्म है, जो हमारे ब्रेन फंक्शनिंग से होते हुए आपके पेनिस तक पहुँचता है। यानी कि जब आपका ब्रेन सिग्नल रिलीज करता है, उसके बाद ही आपके प्राइवेट ऑर्गन में ब्लड फ्लो जाता है, जिससे इरेक्शन होता है। यानी कि इरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम क्लियरली डिस्कस करेंगे कि पुरुष जो है वो सेक्स के बीचों बीच इरेक्शन को लूज क्यों महसूस करते हैं, और साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इरेक्शन अगर लूज हो तो किस मॉडरेट बेस पे आप इसको सही कर सकते हो, किस टाइम पे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और कब ये क्योरेबल बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए जिससे इरेक्शन के प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला जो रीज़न होता है लूज इरेक्शन का, वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। देखिए, जो इरेक्शन होता है ना, वो हमारे हार्मोनल बेस पे डिपेंड करता है। यानी कि आपके हार्मोन्स कैसे रिलीज हो रहे हैं, ब्रेन कैसे उनके सिग्नल्स को रिलीज कर रहा है, आपकी जो बॉडी की ब्लड फ्लो है वो कैसे सिग्नल्स को लेके जा रहा है, ये सारी चीज़ें एक हेल्दी मैकेनिज्म है। तो जब आप डिप्रेस्ड रहते हो, स्ट्रेस रहते हो, तो आपका जो हेल्दी हार्मोन होता है यानी सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये सारे हार्मोन्स ठीक तरीके से रिलीज नहीं हो पाते। और जब ये हार्मोन्स ठीक तरीके से रिलीज नहीं होते तो आपको ठीक तरीके से प्लेजर भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से लो प्लेजर, साथ ही साथ लो लिबिडो, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी चीजें भी जिम्मेदार होता है आपके इरेक्शन को खराब करने का। इसीलिए अगर आप स्ट्रेस रहते हो, डिप्रेस रहते हो, किसी भी तरीके से आपका मेंटल प्रेशर है, तो उसको क्योर करने की कोशिश करो, डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर आपको लगता है कि हाँ आप फील कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो, तो आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हो। अश्वगंधा जो है वो एक हेल्दी हर्ब होता है, जो स्ट्रेस डिप्रेशन को क्योर करने में, डीपली क्योर करने में, रूट से क्योर करने में मदद करता है। अगर आपको लगता है कि अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस काम का प्रेशर है, फैमिली प्रॉब्लम है, तो आप फिर अश्वगंधा को पे स्विच कर सकते हैं। दूसरा जो रीज़न होता है वो है सिगरेट और अल्कोहल का इस्तेमाल। देखिए, अल्कोहल जो होता है ना, वो आपके बॉडी की ये जो ब्लड फ्लो की मैकेनिज्म है, इसको खराब कर देता है। रेगुलर बेस पे अल्कोहल लेने से आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो स्लो होती है, साथ साथ आपके बॉडी की जो ब्लड फ्लो है वो भी काफी स्लो हो जाता है। ब्रेन ठीक तरीके से सिग्नल पास नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपके बॉडी की जो ब्लड फ्लो है वो स्लो होती है, और आपके प्राइवेट ऑर्गन में अच्छी तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है और वो स्लो हो जाता है। और रेगुलर बेस पे अगर आप सिगरेट और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो तो ये ड्रास्टिकली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी कम कर देता है। और नेचुरली टेस्टोस्टेरोन जो होता है, हम सभी जानते हैं कि वो सेक्स हार्मोन होता है, पुरुषों का मेन लीड हार्मोन होता है, और इसकी कमी की वजह से नेचुरली आपकी लिबिडो कम हो जाती है, आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो इरेक्शन लेवल है वो कम हो जाती है। तीन नंबर में आता है आपका डाइट, ओबेसिटी और सिगरेट। एज यूजुअल मैंने सिगरेट के बारे में पहले ही बताया, इसके अलावा आपका डाइट और ओबेसिटी। जब आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हो तो ये आपकी बॉडी में ट्रांस फैट को बढ़ा देता है, आपकी बॉडी में फैट स्टोर होने लगती है, आपके पेल्विक फ्लोर मसल में फैट स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से इरेक्शन में इसका असर पड़ता है। आपकी जो पेनाइल वेन्स होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, साथ ही सबके मसल भी अच्छे तरीके से रिपेयर नहीं होते, जिसकी वजह से कभी कभार इरेक्शन तो होता है बट वो लूज हो जाता है, इरेक्शन को आपका जो प्राइवेट ऑर्गन है वो होल्ड नहीं कर पाता, और बीचों बीच ही ढीला पड़ जाता है, या शुरू में ही ढीलेपन की शिकायत आपको होने लगती है। इसीलिए अपने डाइट को हेल्दी रखिए, खान पान पर फोकस करिए, बाहर का खाना कम खाइए, और साथ साथ ओबेसिटी को कंट्रोल करिए। मोटापा भी जिम्मेदार होता है लूज इरेक्शन का। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मुसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम, गोक्षुरा,
काली मुसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है सेल्फ एस्टीम की कमी। जी हाँ, काफी पुरुषों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि उनका जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो खराब है। वो इस एंग्जाइटी में रहते हैं कि शायद वो अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो इस डिप्रेशन में चले जाते हैं कि शायद उनका परफॉर्मेंस सही नहीं है, शायद वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके लिए वो वीक फील करते हैं अपने आप को, साथ ही साथ वो इस प्रॉब्लम से जूझते हैं, सेल्फ एस्टीम से जूझते हैं कि शायद वो अच्छी तरीके से काम ही नहीं कर पाएंगे, शायद वो अच्छी तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। उनका बेडरूम लाइफ भी इसी वजह से खराब होता है। उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनकी ये मेंटल इशू उनके इरेक्शन को लूज करने में बहुत मदद करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, प्लीज एक अच्छे काउंसिलर से काउंसिलिंग करवाइए, क्योंकि ये कोई बॉडी यानी कि कोई फिजियोलॉजिकल रीजन नहीं है, ये बस एक साइकोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से लूज इरेक्शन हो रहा है। दोस्तों, ये कुछ रीजंस थे लूज इरेक्शन के। इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे किसी भी तरीके की सर्जरी हुई हो, अगर प्राइवेट ऑर्गन में चोट लगी हो, इसके अलावा एजिंग, ये सारी चीजें भी लूज इरेक्शन का कारण हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से भी हो सकती है, आपके डाइट की वजह से भी हो सकता है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। अब हम शॉर्ट में थोड़ा बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, मास्टरबेशन, एक्सेसिव मास्टरबेशन भी इसके पीछे जिम्मेदार होता है। तो अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हो तो मास्टरबेशन को कंट्रोल करो। सिगरेट अल्कोहल के इनटेक को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि सिगरेट में निकोटीन होता है और अल्कोहल भी आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ा देता है, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस खराब होती है, डिज़ायर कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। टेस्टोस्टेरोन मेन सेक्स लीड हार्मोन होता है, इसीलिए इसकी कमी से भी आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो है उसकी कमी हो जाती है, बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम आपको होती है। इसीलिए दोस्तों, सिगरेट, अल्कोहल और जंक फूड को जितना हो सके उतना आप कम करिए। साथ ही कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं जो आपके शरीर में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ों को कम करने में मदद करता है, आपके बॉडी में जो ब्लड फंक्शनिंग है उसको नॉर्मल करने में मदद करता है। जैसे अगर फ्रूट्स की मैं बात करूँ तो इस गर्मी में वाटरमेलन, पोमोग्रेनेट यानी कि अनार, इसके अलावा केला बहुत अच्छा होता है लूज इरेक्शन को ठीक करने के लिए। मॉडरेट बेस पे हो, अगर स्टार्टिंग ही है बस, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, तो ये खाना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। कोको पाउडर आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। कोको में जो एंजाइम्स होते हैं इसमें कैफीन होता है जो आपके शरीर में जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाने में मदद करता है। वाटरमेलन की तरबूज में ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है। अनार में ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो ये काम करता है। इसके अलावा अगर मैं हर्ब्स की बात करूँ तो अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, इसके साथ साथ शिलाजीत बहुत ही अच्छा होता है पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में, ब्लड फ्लो को बढ़ाने में, डिप्रेशन, स्ट्रेस को कंट्रोल करने में और साथ आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेटर बनाने में मदद करता है। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, लूज इरेक्शन अगर मॉडरेट अमाउंट में हो, यानी कि आप अभी फेस करे हो, कभी कभार ये हो रहा है, तो अभी आपको इनिशिएट बेस पे ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए ना तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को क्योर करना मुश्किल हो जाता है। उस केस में फिर आपको वेव थेरेपी भी जाना पड़ता है, पी शॉट लेना पड़ सकता है और वो काफ़ी महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अभी से ही अगर आपको लगता है कि आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो रही है, इरेक्शन कभी कभार लूज हो रहा है, आपकी जो डाइट है अगर आप स्विच करो, अगर आप भरपूर नींद लो, अगर आप अपने हेल्थ पे फोकस करो, तो ये प्रॉब्लम्स को आप क्योर कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और हाँ, वीडियो अगर और ज़्यादा पसंद आए और ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू, बाय बाय।